इकलौता प्लेयर था जो जब के एल राहुल बिल्कुल हंड्रेड के स्ट्राइक रेट पर खेलते थे हाँ। तो क्विंटन डिकॉक को पता था कि ये टी ट्वेंटी क्रिकेट है यहां पर शायद डेढ़ सौ के स्ट्राइक रेट से खेलना होता <laughs> है आयुष बदोनी और मोहसिन खान दोनों को रिटेन करना एक्चुअली बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अगर ये चौदह करोड़ और ग्यारह करोड़ में अगर ये क्विंटन डिकॉक और मार्कस मार्कसटो को रिटेन कर लेते आप सोचिए पैसे ज्यादा भी नहीं खर्च करने पड़ते इनको इसी पैसे में इसी पैसे में ये सब कुछ हो सकता था आईपीएल रिटेंशन घटिया या बढ़िया की लिस्ट में आज बात करेंगे लखनऊ सुपर जाइंट्स की योगी जी हमारी तोड़ देंगे क्योंकि हम बहुत कम पॉइंट्स देने वाले हैं इनको <laughs> लेकिन यहाँ पर लखनऊ का रिटेंशन मुझे तो काफ़ी घटिया लगा हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए प्रशांत कपूर भी हैं और पहले इससे के बात करेंगे कितने पॉइंट्स हैं थोड़ा सा रिटेंशन बता देता हूँ रिटेंशन है निकलस पूरन इक्कीस करोड़ रवि बिश्नोई ग्यारह करोड़ मयंक यादव ग्यारह करोड़ मोसिन खान चार करोड़ और आयुष बदोनी चार करोड़ 69 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए एक 120 बीस करोड़ में से नहीं सिक्सटी नाइन बचे सिक्सटी नाइन बचे हैं सिक्सटी नाइन बचे, बचे हैं क्योंकि दो इन्होंने अनकैप्ड उठा लिए तो सिक्सटी नाइन इनके पास बचे हैं और इक्यावन करोड़ इन्होंने खर्च किए एक करोड़ में से इक्यावन करोड़ इनके गए अब अभी भी एक राइट टू मैच है एक प्लेयर का राइट टू मैच है और क्योंकि ये दो ऑलरेडी अनकैप्ड प्लेयर ले चुके हैं तो आप किसी भी अनकैप्ड प्लेयर पर राइट टू मैच यूज़ नहीं कर सकते कैब्ड पर ही करना पड़ेगा पर उससे पहले किस तरीके से रही लखनऊ की रिटेंशन प्रशांत घटिया या बढ़िया और कितने नंबर 69 एक करोड़ इनके बच्चे नहीं है 69 हो गया इनकी टीम के <laughs> के साथ अरे अरे भाई क्या कर रहे हैं मयंक यादव जो बंदा पे एक मैच खेल के, दो मैच इंजर्ड रहता है उस बंदे पे आप 11 करोड़ रुपए एक सीजन में आप लेके आए ठीक है माना वो डेढ़ से ऊपर की बॉल करा रहा है लेकिन ग्यारह करोड़ में आपकी रिटेंशन बन जाएगा वो भी मेगा ऑप्शन के लिए फिर रवि बिश्नोई ग्यारह करोड़ जिसको टीम इंडिया ने खिलाड़ी

करके राहुल आपने चलो राहुल छोड़ना तो ठीक था हाँ, fact, आप कितने नंबर दे रहे हो मैं दस में से पांच तो <laughs> <plus> तो, <two. laughs> तो हो गए है। लेकिन भाई ये क्या घटिया रिटेंशन है क्या जिनको रिटेन किया है उनको एक साइड कर देते हैं पहले उन प्लेयर्स का नाम ले लेता हूँ जिनको इन्होंने छोड़ा है मार्कस Stoinis को इन्होंने छोड़ दिया जो कि एक हॉट प्रॉपर्टी है वो प्लेयर जिसने पिछले साल भी आपके फंसे हुए मैच निकाले थे हाँ। बैट से भी वो मैच निकालता है बॉल से, से भी, भी मैच, मैच निकालता है आपने मार्कस मार्केटनिस को छोड़ दिया क्विंटन डिकॉक भाई क्विंटन डिकॉक को आपने छोड़ दिया जो कि इकलौता प्लेयर था जो जब के एल राहुल बिल्कुल हंड्रेड के स्ट्राइक रेट पर खेलते हाँ। थे तो क्विंटन डिकॉक को पता था कि ये टी ट्वेंटी क्रिकेट है यहाँ पर, पर शायद डेढ़ सौ के स्ट्राइक रेट से खेलना होता <laughs> है आपने क्विंटन डिकॉक को छोड़ दिया के एल राहुल का तो छोड़ना के एल राहुल और इनके लिए दोनों के लिए एक बढ़िया चीज़ हुई चलिए वो अच्छी बात है लेकिन यार और भी कई सारे मतलब छोटे मोटे जो प्लेयर्स थे मुझे एक्चुअली मैं अगर एक बात से असहमत हूँ जो आपने आयुष बदोनी के लिए कहा मुझे लगता है कि आयुष बदोनी और मोहसिन खान दोनों को रिटेन करना एक्चुअली बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है हाँ वैसे आयुष बदोनी शायद जाते चार करोड़ चार करोड़ से तो ऊपर जाता है आयुष बदोनी आयुष बदोनी ने मुझे लगता है आईपीएल में इतना कर दिया है

आपको पता है कि रवि बिश्नोई को चौदह करोड़ दूंगा नहीं दूंगा तो घर में बच्चे बच्चे भी गाली देंगे में हो जाएगा ठीक है सो आपने कहा कि वहां पे की जगह उसके ग्यारह कर देता हूँ हाँ। ये आपने मैथ्स आपने थोड़ा सा एक्सेल आपने ऊपर नीचे कर लिया पर भाई आपने अट्ठारह चौदह ग्यारह वाला ये जो तीन रिटेंशन थे ये आपने पूरे कर दिए और इसमें आपने रिटेन किया है रवि बिश्नोई और मयंक यादव को कमाल कर दिया यार, यार कमाल मयंक यादव मुझे समझ में आता है बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है पर जिस तरीके से इंजरीज उनकी लगी हुई हैं है हा? अभी भी वो फिट नहीं है यार इनके खुद के पहले सीजन में वो वही सारे मैच नहीं खेल पाए थे एक कैमर ग्रीन को उन्होंने बढ़िया बोल्ड कर दिया उसके बाद चार मैच नहीं खेले तो आप रिटेन थोड़ी कर दोगे ग्यारह करोड़ उन्हें रिटेन कर दिया और रिटेन आदमी इसलिए करता है मेगा ऑप्शन में आप आगे के लिए भी सोचते हो पर भाई मयंक यादव ने इतनी कम उम्र में जिस तरीके से फ्रजाइल उनकी बॉडी है हाँ। आपने तो अपने पैरों पर कुलाड़ी मार ली है आप बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हो 69 करोड़ रुपीज उनका पर्स बचा नहीं है <laughs> हो गया है उनके हो साथ गया हो गया है इनका हो गया है और जिस तरीके की ये स्ट्रेटेजी बनाई है लखनऊ ने मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसने इनको तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि के केल राहुल को लेकर आना और के राहुल को के राहुल की वजह से साढ़े नहीं चल रही थी लखनऊ की ये लखनऊ की ये लखनऊ ने कुछ अपने ऊपर कराया हुआ खुद, है खुद खुद करा रखा है वो मुझे वाले अंकल के साथ कुछ कोई परेशानी है गोविंदा साहब हाँ कुछ तो <laughs> परेशानी है के भाई आप ये क्या कर रहे हो रवि बिश्नोई आपने ग्यारह करोड़ रवि बिश्नोई ही ऑप्शन में जाएंगे आपको लगता है कि रवि बिश्नोई ही ग्यारह करोड़ रुपए पड़ जाएंगे ना बिल्कुल भी बिल्कुल यार भी। आप कौन से सपने आप लोग देख रहे हो मयंक यादव ग्यारह करोड़ भाई एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है बिल्कुल है और मैं ये कह रहा हूं अगर आपको लगता भी है कि ये बहुत बढ़िया प्लेयर है मेरे लिए आप इनको रोक के आर पर रोक लेते आप इतना चांस तो लेते ऐसे कौन से ये दो प्लेयर है कि अगर आरटीएम पर भी ऑप्शन डायनामिक्स में अगर ये

फास्ट बोलर खान फास। तो को कर तो लिया ना रिटेन उन्होंने चार करोड़ में तो बॉलर ही तो अभी तक ये जहीर खान के लिए बाकी लोग कह रहे थे अब जहीर खान ने खुद भी कहना शुरू कर दिया अरे मैं सच कह रहा ऐसे ही होता है सब टीमें बैट्समैन में पैसे लगा रही है मैं बॉलर पे लगाऊँ लेकिन यार अगर ये चौदह करोड़ और ग्यारह करोड़ में अगर ये क्विंटन और मार्कस को रिटेन कर लेते आप सोचिए कि ये तीन प्लेयर रिटेन करते उधर दो ये अनकैप्ड करते एक आरटीएम कार्ड इनके पास फिर भी होता और फिर उसके बाद ये चाहे वो उसको रवि बिश्नोई चाहे वो मयंक यादव पर खेलते चाहे वो किसी और प्लेयर पर खेलते आपने एक बढ़िया तीन फॉरेनर आपने रिटेन कर लिए जिसमें से एक आपका विकेट कीपर तोड़ू कप्तान है हाँ। एक आपके पास बैकअप विकेट कीपर तोड़ू ओपनर है हाँ। और तीसरा आपके पास बहुत ही बेहतरीन एक फास्ट बोलिंग ऑलराउंडर है आप सोचो कि लखनऊ किस तरीके से मतलब कि, किस तरीके की फ्रेंचाइजी दिखाई देती अभी रिटेंशन पर और इतनी 69 करोड़ के बाद इनके पास इतना बजट भी बचता कि शायद ये मिचेल स्टार्क भी ले सकते मैं मैं वही मैं कह रहा हूं कि पैसे कम पैसे ज्यादा भी नहीं खर्च करने हाँ। पड़ते इनको इसी, इसी पैसी में इसी पैसे में ये सब कुछ हो सकता था इन्होंने भाई इन्होंने तो मुझे नहीं समझ में आ रहा समझा इनका आने का इनका इनका टारगेट ही नहीं है इनका टारगेट नहीं है इनका प्लेऑफ तक आने का भी टारगेट मुझे नहीं लग लगता मुझे। है कि ओनर साहब को मतलब वो ना जो हेडलाइंस है उसमें मजा आ गया बोले कि अब किसी भी फिर बेकार टीम बना देता हूं फिर यूं यूं करूंगा फिर यूं यूं करूंगा फिर से फिर से हेडलाइन बनेंगी यार क्या टीम बनाई है यार क्या मतलब बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रहा है इसका एक आरटीएम इनके पास बचा है और सोचो वो भी ये आरटीएम किसी आडे टेडे कृणाल कुर, पांड्या पे लगा देंगे <laughs> कर सकते हैं भाई आठ कर, कर नौ करोड़ में क्रुणाल पांड्या पांड्या को लेकर आ गए हाँ, और आरटीएम और स्टॉइनिश छोड़ दिया सोचो दस करोड़ पे स्टॉइनिश छोड़ देंगे लेकिन अभी जो जिस तरीके की टीम दिखाई दे रही है आपके पास अब जो टीम इनको बनानी है उसमें चलिए निकलस पूरन है इनके पास नंबर तीन नंबर चार पर एक बहुत ही बढ़िया एक विकेट कीपर बैट्समैन बैट हाँ। और कप्तान भी मुझे लगता है कि अब इनको इंडियन कप्तान ढूंढने की जरूरत है नहीं और एक आयुष बदोनी एक फिनिशर टाइप के रोल में ही है कि मतलब आखिरी दो ओवर तीन ओवर बच रहा तब आयुष बदोनी आ रहे हैं तो इनके पास अभी ओपनिंग के पहले इवन चार तो मतलब पहले 1 2 3 4 नंबर के तो कोई प्लेयर है ही नहीं इसमें यार फिनिशर से मुझे याद आया तो फिनिश होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को <laughs> इनको इनको फिनिशर मार दिया आईपीएल 2025 ने ऑलरेडी स्टनर <laughs> <laughs> यार ये क्या इन्होंने टीम बनाई है मुझे समझ में नहीं आया और जब मैं जब हम इनकी रिटेंशंस के ऊपर बात कर रहे थे तब मुझे याद है कि मुझे लग रहा था कि यार अगर ये क्विंटन पर चले जाए और रिपोर्ट्स आ रही थी लगातार कि ये रवि बिश्नोई और मयंक यादव पर चौदह करोड़ और ग्यारह करोड़ वाले रिटेंशन खर्च करना चाहते हैं और मुझे लगा कि यार ये तो ना किसी आदमी ने ऐसी ही लिख दिया हाँ। है ताकि ये सेंसेशनल, कहानी आए। सेंसेशनल हेडलाइन बन सके पर इन्होंने कहा कि जहां पर आपकी सोच खत्म होती है हमारी हमारी सोच वहां से शुरू होती है मतलब <laughs> बहुत बढ़िया है मयंक यादव के घर में ग्यारह करोड़ आए हैं रवि लखनऊ को जो सपोर्ट करते हैं शुरू कर देना चाहिए ना बंदे बस बस जो सिर्फ लखनऊ के अंदर के बैठे हुए उनको बस करना पड़ेगा जैसे हम दिल्ली को सपोर्ट करते हैं पर क्या लखनऊ 69 करोड़ रुपीस में कोई बढ़िया इंडियन प्लेयर लेकर आ सकती है क्योंकि बिना एक इंडियन सुपरस्टार के एक टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है यार मुझे लेकिन तो इंडियन सुपरस्टार्स अवेलेबल कौन कौन है क्या श्रेयस अय्यर पे जा सकते हैं ये ये श्रेयस अय्यर पर जा सकते हैं ये जाने को तो ऋषभ पंत पर भी जा सकते हैं सिक्सटी नाइन करोड़ रुपीज हैं इनके पास पर, पर, पर वैसे तो निकलस पूरन है इनके पास तो हो सकता है कैप्टन इन्होंने सोच लिया होगी अब निकलस पूरन को ही रखेंगे दो विकेट कीपर कप्तान लड़ रहे हैं आप आ, आप, आप बस मेरी शपंत और पूरन वो so, हो रहे हैं रहे अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर इन्होंने उनको सोच लिया है कप्तान बनाना तो आपके ये जो दो तीन खिलाड़ी है जो कप्तान बनने के सूरत में ही ऑप्शन में आए हैं चाहे वो श्रेयस अयर हो चाहे वो ऋषभ पंत हो ईशान तो किशन होंगे ऑक्शन में हो सकता है ओपनर के तौर ये लोग ईशान किशन ईशान किशन को टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल ईशान किशन को टारगेट किया जा सकता है लेकिन क्या ईशान किशन भी वो प्लेयर हैं जिनकी शक्ल पर फ्रेंचाइजी कहती है कि <laughs> यार मेरे मेरे को एक अपना एक अलग अग, अगला सुपरस्टार मिल गया हाँ ईशान किशन के नाम पे अभी वो तो वो बात नहीं वो थोड़ा सा मुश्किल है और जितना गंदा ये कर रहे हैं हो सकता है ओपनिंग के लिए देवदत्त पटिकल ले लें हाँ बिल्कुल ले सकते हैं देवदत्त पटिकल बिल्कुल? बिल्कुल ले सकते देखा जाए तो देवदत्त पटिकल पर आरटीएम भी यूज कर सकते हैं देवदत्त पटिकल ही तो लाए थे हाँ। राजस्थान से तो सारे मैच खिला रहे तो ये कुछ भी कर सकती है लखनऊ बहरहाल मुझे तो काफी घटिया लगी इनकी रिटेंशन शायद अगर सारी घटिया रिटेंशन में एक वो बनाया जाए

आ, डाई हो जाएंगी जिस तरीके की अभी हमें हमें टीम दिखाई देती है ऑक्शन में अगर ये कुछ अलग ही करते हैं तो बात अलग है लेकिन रिटेंशन के नाम पर मेरी तरफ से तो पाँच नंबर प्रशांत की तरफ से पाँच नंबर पर आपकी तरफ से कितने नंबर हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए आपको बताइए कि आपको क्या लगता है लखनऊ को और क्या करना चाहिए कि एक अच्छी सुंदर सस्ती टिकाऊ टीम बन जाए जो कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस लखनऊ लगातार करती आई है आई में वो भी करे और आई जीते भी ऐसा क्या करना होगा इस टीम को वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो बाकी हमने बाकी टीम्स के भी सिर्फ लखनऊ नहीं सभी टीम्स के ऊपर हमने ये एनालिसिस करने की कोशिश करी है कि भाई किसका रिटेंशन कितना घटिया तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो बाकी टीम्स के भी वीडियोज आप जाकर देख सकते हो आप देख रहे हैं स्विच